हाय दोस्तों, वेलकम टू एनरिचिंग टॉक्स, जहां हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप रिलेट कर सकें और उनसे कुछ सीख सकें। अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्टोरी दुनिया को सुनानी चाहिए, तो आप हमारे YouTube वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या फिर इवन आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की हमारी गेस्ट हैं अन्विता देखड़े, जिन्होंने BCG और सिकोया जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक स्टार्टअप में भी काम किया है, एंड नाउ शी हैज क्रैक्ड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो कि वर्ल्ड के सबसे रेप्यूटेड 20 स्कूल्स में शुमार है। सो आज के एपिसोड में हम अन्विता की इसी जर्नी के बारे में बात करेंगे। सो हाय अन्विता, वेलकम टू आवर शो। हाय सत्यम, हाय अभिषेक, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सुपर एक्साइटिंग जो तुम लोग कर रहे हो, एनरिचिंग टॉक्स। आई हैव सीन ऑल योर टॉक्स एंड आई एम एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ वन मायसेल्फ। हाय अन्विता, थैंक यू सो मच, दिस मींस अ लॉट टू अस। कूल, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर मेकिंग इट टू द वी स्कूल, व्हिच इज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा कि आपको कैसा लग रहा है, और आई नो इसका आंसर ये होगा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे सेम सवाल नहीं पूछूंगा, बट हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि डू यू थिंक दैट दिस इज मे बी नॉट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, क्योंकि कोविड सिनेरियो आ गया है और जॉब मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटीज चल रही है, आपको हो सकता है ऑनलाइन पढ़ना पड़े, जो बी स्कूल का जो कैंपस का एनवायरमेंट होता है, जो फील होता है, वो शायद ना मिल पाए। सो वो सब कुछ मतलब लगता है आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं चीजें, आपका क्या थॉट है इस बारे में? श्योर। सो अभिषेक, आई थिंक अभी वाले टाइम में हाउ वी आर लुकिंग एट इट इज दिस द राइट टाइम फॉर पीपल टू गो एंड अपस्किल, क्योंकि एक्चुअली अभी जॉब मार्केट थोड़ा डगमगा रहा है, पीपल आर लूजिंग जॉब्स एंड दैट्स नॉट अ हैप्पी न्यूज। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ स्टेप बैक एंड सी कि अगर हमें कहीं कुछ अपस्किल करना है, अगर हम कुछ पढ़ के आना चाहते हैं, तो होपफुली फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू टेक अ ब्रेक, दिस इज द राइट टाइम। तो टाइमिंग वाइज आई थिंक इट्स फिटिंग वेल। हाँ, आप सही बोल रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं फॉर द टाइम बीइंग, बट इट इज व्हाट इट इज। आई थिंक अगर जॉब भी होता तो वो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम ही होता, तो न्यू नॉर्मल इज सेटिंग इन एंड प्रोबेबली ऑनलाइन क्लासेस इज द न्यू नॉर्मल फॉर अ शॉर्ट टाइम। सो वी आर अप फॉर द स्पिरिट, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, अगले दो साल में द होप इज दैट थिंग्स विल रिज्यूम टू नॉर्मल एंड जॉब्स का मार्केट वापस रिवाइव करेगा। सो आई'd rather hope कि ये दो साल is a good investment into myself coming back to the new normal world. Right. So Anvita, BCG, Sequoia, and then a startup, and उसके बाद में अब HBS. तो क्या ये basically एक standard template है जो कि दुनिया के top 20 schools में enter करने के लिए template होता है? तो क्या आपने वही template follow किया, आपके mind में पहले से ये था, या फिर बस चीजें होती गई automatically? Yeah. तो एक्चुअली इन द हाइंडसाइड अगर मैं खुद भी देखूँ तो ऐसा शायद लगता है कि एक टेम्पलेट था जो कोई फॉलो करे टू गेट इनटू अ बी स्कूल, बट फॉर मी वो काफ़ी नेचुरली होता गया। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट जॉब जो BCG में था मेरे लिए राइट आउट ऑफ कॉलेज, वो भी एक थॉटफुल प्रोसेस था कि क्यों BCG ज्वाइन करना है। जब BCG की प्रेप करना शुरू करा इंटरव्यूज के लिए वगैरह, तो लगा कि जॉब काफ़ी एक्साइटिंग है, बहुत स्टीप लर्निंग कर्व है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रक्चर्ड मेथड्स सीखने को मिलेगा। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड थॉट था कि हाँ BCG शुरू करते हैं, BCG ज्वाइन करते हैं। इट वॉज अ ग्रेट स्टेंट, ऑलमोस्ट दो साल तक मैं BCG में थी। मेरे लास्ट का जो मेरा प्रोजेक्ट था वो कोलकाता में था 13 महीने के लिए, एंड आई वॉज डूइंग लाइक अ मंडे मॉर्निंग 5 AM एंड फ्राइडे इवनिंग 9 PM। तो आई थिंक जस्ट टूवर्ड्स दैट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि विद हायरार्की ये सिर्फ बढ़ता है। एट अ कंसल्ट, अगर आप पार्टनर लेवल पे हो तो आपको एक दिन एक हफ्ते में 3 सिटीज जानी पड़ती हैं, विच इज further worse in terms of travel and sustainable and in general balance. So I realized ki mujhe shayad BCG mein long term continue nahi karna hai. And that's when I started figuring out next kya ho sakta hai. And Sequoia happened because mujhe startup ecosystem mein pass rehna tha. I have done a startup of my own. Mere husband khud ek startup kar rahe hain. So in general, I was always curious about the startup ecosystem, driving impact, creating difference at scale. So I figured ki the best way to enter into or keep close to startup ecosystem could be a venture investing side se, where I could get a chance ki main all startups ko khud evaluate karu, main dekhu ki investable companies kaise build hoti hain, portfolio companies ke sath kaam karu wagera, and iske liye Sequoia hua. I think in the hindsight ye ek bahut thought through strategy rahi for me, because throughout the course main apne mentors ke kafi touch mein thi. Mere har journey mein, har
शिफ्ट में मेरे कुछ ऐसे डियर मेंटर्स हैं जिन्होंने मुझे हर इसमें गाइड करा कि क्या नेक्स्ट स्टेप सही हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रोल में व्हेन यू आर गेटिंग इन, व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, एंड हर वो डिसीजन इसके लिए सोच के लिया गया. सो फार आई हैव एंजॉयड द टाइम दैट हैज नेचुरली यू नो काइंड ऑफ कम अप टू मी, ट्रांसपायर्ड टू मी. एंड आई थिंक both Baby Chakra and Howard as well happened with that. So I think broadly it's been more on kya mujhe natural course of time mein lagta gaya mere liye sahi hai jo mujhe mentors batate gaye, and that's how it happened to me. Right. So Ankita, jaisa aapne abhi bataya ki after working for these big organizations, matlab I think these are dream companies of every aspirant who wants to work out there, BCG, Cigro. तो उसके बाद में यू लेफ्ट दीज स्टेबल वेल पेइंग जॉब्स और आपने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? बिकॉज़ आई थिंक दिस वुड हैव बीन वन मेजर डिसीजन और काफी थॉट प्रोसेस यहां पे आपकी रही होगी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वही उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे. हां श्योर श्योर अभिषेक. सो जब मैं सिकोया में थी तब मेरा लास्ट के जो कुछ महीने थे वो मेरी पोर्टफोलियो कंपनीज के साथ काफी मैं टाइम स्पेंड करती रही, वेयर I worked with a top kitchen appliance manufacturer jo IPO ke liye file kar rahe hain this year. I helped them do a lot of cost cutting optimizations. Ek early stage company thi jinko new market mein entry karni thi, jinko overall business strategy pe help chahiye thi. So I spent a little bit of time there. To jo mujhe samjha ki mujhe operations aur real you know impact driving situations mein I really kind of feel my strength and feel really excited about. So I realized that I should either start off my own or I should join one of my Sequoia portfolio companies or find another company which I can join as a pseudo co-founder as at a you know a management position jahan par I'll be one of those taking these decisions for driving impact. And tab mera ye hunt shuru hua to meet portfolio founders, to meet other small early stage companies as well. That's when I bumped into my current founder Naya Baby Chakra, who's the founder hai, the current company that I work with. हमारी 30 मिनट की चैट जो शेड्यूल थी एंड वी काइंड ऑफ केप टॉकिंग एंड वी क्लिक्ड एंड दैट चैट वेंट ऑन फॉर अबाउट 3 आवर्स. हम दोनों के थॉट्स अलाइन होते गए कि हम किस तरह से ये कंपनी बिल्ड करेंगे अगर हम दोनों को साथ में करनी है. वी अलाइंड ऑन आवर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स एंड इट जस्ट हैपेंड सेइंग दैट दिस शुड वर्क आउट बिकॉज हम दोनों के विजन्स काफी इंटरेस्टिंगली मैच होते गए. So that's when I kind of took the step of joining Baby Chakra. I was on paper I'm the chief staff with the company right now. But between us, me and the founder, the understanding has been that I was one of the founding team members, one of the co-founders, leading on, you know, running the business with her. So वो decision ऐसा रहा मेरे लिए. Okay. So Anvita, we believe कि मतलब शायद आपको 2.5 साल हो चुके हैं Baby Chakra के साथ में. So आपको क्या लगता है कि आपका जो decision था startup world में enter करने के बाद from the very established job to startup world. So ये decision अब आपको कैसा लगता है, कैसा रहा? So honestly, I wouldn't trade this for any other 2.5 years jo maine spend kare, because this was an amazing learning time building the company. I've seen the highest of the highs and the lowest of the lows also. Jab hame Mark Zuckerberg se one-on-one meeting ke liye invite kara jata hai, ya jab main khud San Francisco fly karti hu for a week to attend the Google Global Accelerator program jiske liye Baby Chakra select hua tha and represent the company there. To also the lowest of the lows, jab you know we were to shut down a few initiatives, we had to let a few people go, a few people jinko maine khud hire kara tha. We've seen some like the best times and the worst times as well. So I think from a learning perspective, I feel that it's been really exciting, really amazing. And the good part was that I was de-risked as not being a founder, but running the show as a founder. तो वो सारे स्टेक्स जो आप रखते हो बीइंग अ फाउंडर, वेयर यू लेट गो ऑफ प्रॉब्ली योर मार्केट सैलरी, आप जो सारे वो फाइनेंशियल रिस्क भी लेते हो, काफी सारे कंप्लायंस रिस्क भी लेते हो, सो आई वाज काइंड ऑफ डी-रिस्क्ड फ्रॉम दैट. तो आई थिंक लुकिंग बैक इन दीज 2.5 years, अगर मुझे कल खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है या अगर अब मुझे कल और स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट करना है अगर मैं वापस इन्वेस्टिंग में जाती हूँ, तो आई फील आई विल हैव अ लॉट मोर एम्पैथेटिक व्यू ऑफ हाउ फाउंडर्स विल बिल्ड अ कंपनी. काफी सारी 101 मिस्टेक्स जो मैं खुद फर्स्ट हैंड अप कर चुकी हूँ व्हाइल बिल्डिंग द कंपनी, I'll have a lot refined experience and understanding of a lot of these things. So I'd say that I think there's just some amazing learning that I take back building Baby Chakra. No, right, sounds great. Thank you, Anvita. Next question mein main aapse ye puchna chahunga ki Baby Chakra ke baad now HVS has happened and hum sabko pata hai ki ye foreign ke MBA courses especially bahut mehenge hote hain, 1 crore se zyada inki fees hoti hai, 1.5-2 crore tak bhi jati hai aur bahut sare log isi karan se in cheezon ko pursue nahi kar pate. Right. So, how are you financing this course, and how are you going about it? Sure.
That's a fair point, Abhishek. And the numbers you said are broadly right. मतलब जितना आपने quote करा उतनी fees generally होती है in schools की. For Indians, the way it works out is typically जो हमारे highest pay grade, हमारे level पे जो highest pay grade वाले लोग होते हैं, उनके लिए भी from a US standpoint हमारी salaries काफी कम होती हैं. So they give a financial aid or a scholarship by default to a lot of us Indians, me included in this one. So about 40 to 50% scholarship जो है वो automatically मिल जाती है under financial aid. And बाकी जो amount बचता है is in the tune of about 80 lakhs to a crore. And that's end to end, मतलब आपका tuition, रहना, all your other variable expenses मिलाकर. It'll come down to about 80 lakhs to a crore जो आपको spend करना पड़ेगा in 2 years. And for me, I don't have any earnings right now, so I'm absolutely looking at taking a loan. The reason this is not a big deal for me right now is that पिछले 5-6 साल का जो मेरा time रहा है उसमें I've been able to create an asset for my parents and family, which is a house. तो मैंने घर लिया था in Pune, which I've been able to set off the loan for almost. तो I get some confidence कि you know एक amount है जो as a loan लेकर I've been able to finish in 4-5 years. So hopefully उस tune का अगर education loan भी रहता है, so it should be comfortably taken care of. So I think that's broadly how it pans out for most of us Indians. Okay. So Anvita, family ke side hamara discussion ja hi chuka hai. So jaise ki financial factor to hota hi hai ki log soch nahi pate further studies ka. Dusra factor ek family ka bhi hota hai. Since you are married right now, so shaadi ke baad aap MBA karengi. It will be virtually a long distance marriage. And kai log isi reason se after shaadi further studies ke bare mein soch nahi pate hain. So, आपकी फैमिली का इसमें कैसा सपोर्ट रहा, स्पेशली आपके हस्बैंड का इसमें क्या रिएक्शन है? श्योर, सो जस्ट अ क्विक रीकैप, आई हैव बीन मैरिड फॉर 3 years, बट आई हैव बीन सीइंग माय हस्बैंड फॉर मोस्ट 10 years, वो मेरे कैंपस के सीनियर हैं, तो आई हैव नोन हिम फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ, एंड आई थिंक आई हियर यू सत्यम, ये बहुत सी लोगों में ये थॉट आता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कैसे चलेगा फ्रॉम बोथ फैमिली साइड पार्टनर साइड. Thankfully for between me and my partner, I think the understanding has always been ki hum dono ek dusre ke un aspirations ko samajhte hain, and it's an implicit understanding ki agar wo aspiration hai to we'll one way or the other make it happen. I mean mujhe pata hai jab usse khud ka startup karna tha, I implicitly realized that we can't put both all our eggs in the same basket. Main bhi shayad us waqt startup nahi kar pati. So it was understood for me to take a relatively stable job, and you know he has the full freedom to experiment with his startup etc. And in this case right now for my education also it's implicitly understood ki mere jo long term aspirations hain usme MBA bhi fit karta hai. So it's needless for us to discuss ki ye option aana chahiye table pe ya nahi. And thankfully that's extended to both our families also. Matlab wo is cheez ko acknowledge karte hain ki we are independently taking our decisions for our long term career, for and jab tak hum dono mein wo understanding hai, hum dono mein wo alignment hai, I think it pans out. So I think the essence of it is just be very very open with your partner, and have a very very understanding partner in the relationship. It helps not just for this decision, for kind of all other decisions also. That's absolutely true. Moving on to our next question, usme main aapse yahi puchna chahunga ki you have been in the industry for more than 6 years now, and you have been on the other side of the interviewing table as well. So jo bhi abhi candidates ye video dekh rahe hain, jo aspire karte hain maybe BCG jane ka ya consulting ki koi bhi company jane ka, fir uske baad mein ya Sequoia jane ka ya VCP mein jane ka, or eventually if they want to get into Harvard, to unke liye aapki kya tips rahegi with respect to kya skills required hai इन कंपनीज में, कैसा मतलब क्या एक्सपेक्ट वो कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. श्योर, सो दैट्स अ थोड़ा इलैबोरेट क्वेश्चन अभिषेक, एंड मैं एक एक करके लेट मी एड्रेस ईच ऑफ देम वेरी क्विकली. सो फॉर अ कंसल्ट, आई थिंक यू आर राइट, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सम रिक्रूटमेंट एट बीसीजी माइसेल्फ इन माय सेकंड ईयर. सो आई हैव अ सेंस कि टिपिकली कैसे शॉर्टलिस्ट होता है इंटरव्यू में, क्या होना चाहिए एटसेट्रा ऑल्सो. So if you think about it, in तीनों roles में ऐसे कोई specific skill set नहीं है जो आप कोई course लेकर you can upskill and say कि okay मुझे मुझे ये C++ आता है या मुझे ये financial modeling आती है तो I'm better suited for the job. ये काफ़ी softer aspects होते हैं आपके grooming के, आपके way of working के, आपके communication style के, जो ये तीनों type की companies basically आपके लिए देखती हैं. So for instance at BCG I know your first phase in a to getting shortlisted is your resume. That's the only way a company can at first judge you, saying क्या हम इनसे in the room, in an interview room मिलना चाहते हैं.
Now, what your resume can reflect can be a variety of responsibilities that you may have taken. Those responsibilities showcase your leadership style, your you being agile to take a lot of responsibilities and learn from them. मतलब आप आपने कोई POR hold करी आपके college में या आपने कुछ NGOs के साथ काम करा है या आपने कहीं किसी और को support करा है as mentor etc. So that kind of counts for these companies like BCG saying the person is a good leader. The person has a good thought through process to make sure they're adding impact, driving value. So at the optical level, ये चीजें in your resume help. Try and for folks जिनको in companies में जाना है, try and be add flavor to your resume across a few of these pieces that you can take on. उसके अलावा once you're in the interview room, I think it's a lot to do about your core problem solving and thought through structures. I think BCG, McKinsey, Bain, all these consultants are infamous for their regular case study approaches that they take in interviews. So there's a thorough process जो आप actually practice कर सकते हो. You can practice cases and उसका theme यही रहता है that how are you able to break a problem in a very structured fashion, address all the problems in a messy way, जो कि एक बहुत standard term है for consults. So just get a hang of that. I think since it's a softer aspect, it's only on how confident are you able in the interview room, how communicative you are in the interview room. So I think it kind of boils down to that eventually. ACADS given hai, tino mein important hai, so don't miss that. I think 8, 8, 8.5, please don't miss anything below that. That's kind of a given. For a Sequoia, I think kuch VCs hain jo thode closed door mein rehte hain ki shayad pata hi nahi chalta unka interview process kab ho raha hai, recruitment kab ho raha hai. And they say that an investing ecosystem is a very small ecosystem. Matlab, for reference, Sequoia jaisi company jo almost $3.5 billion manage kar rahi hai in funds only has a team of about 20 people in the whole country. So obviously unko bahut replacement nahi chahiye, bahut unke active hiring nahi hoti hai. And hence it's very important ki is close knit community mein networking aap karte raho. So if you're actually interested in getting into the VC industry, just keep talking to people from the junior most level, analysts, associates, just keep in touch with them, understand ki kis type ki profiles hain jinke liye you may be eligible jab aap agar aapko VCs mein apply karna hai to. And what I've seen work typically is either you come from a reputed company like a BCG, McKinsey, Bain, which is the standard, yeah, even places like a DB or other consults or other good firms that are at a given jo known hai. But iske alawa agar aap kuch founder experience rakhte hain, agar aap kuch startup experience rakhte hain, so I know a lot of these VCs will be very open to knowing more about your experience, because founder experience is just like at another level in terms of resilience and drive and passion. So that's the quick hack for a VC like Sequoia. HBS ya kisi bhi B school ke liye, there's again a standard application. You need to clear your GMAT, the higher score the better. Fir essays ka process rehta hai, they have a very thorough process where you just put in a lot of your background in the essays, not background in terms of aapne kya achieve kara in your career journey etc, but more on who are you as a person, what values drive you, how have you been brought up. And then there is, once you clear that, you get into interview process, and then they kind of give away the results as well. Beech mein there is another step of recommendations from people who you have worked with, etc. So I think that's a more standard process. You need to just introspect a lot more about your life, about who you are as a person, what really drives you in the long term. And just be open and very, very, honest about your story. I don't know the answer, but I think that's what works for now. So I'm sure, मतलब जो भी aspirants इस वीडियो को देख रहे होंगे, काफी enriching पूरा ये जो अनविता ने हमारे साथ knowledge share किया है, वो आपके लिए काफी enriching रहा होगा. So अनविता, इस पूरे process में आपकी definitely कुछ learnings रही होगी. So वो learnings it will be very great, मतलब कि अगर आप हमारे viewers के साथ में share करें. Sure. So एक learning जो मेरे दिमाग में definitely आती है, and when I'm connecting the dots looking back, is have some very dear close mentors to you in life, jinko aap genuinely respect karte hain and khud ko unke footsteps par shayad jaate hue dekhna chahte hain for multiple reasons. Either you align with their definition of happiness and you want to be as happy as they are, you know them as personally well, or even a financial goal ki I know how much wealth they have or make, mujhe wahan jana hai. So either with any of these parameters, aap kuch un mentors ko shortlist karke actually unse genuinely close rahiye, and they will help you guide ki kya next step lene chahiye, kya lete rehne chahiye. That's been a mantra that's helped me take all of these decisions, and so far I've been broadly happy. So I plan to continue taking this learning forward.
उसके अलावा मुझे वो रैंडम ग्लोब लर्निंग नहीं देनी है, बट दैट हैज वर्क की जस्ट बी रेजिलियंट एंड पैशनेट एंड कैन फॉलो दैट इन द लॉन्ग टर्म दैट शुड एड अप. शॉर्ट टर्म में शायद वो इतना सेंस ना बनाए, बट लॉन्ग टर्म में दैट इवेंचुअल गोल एंड इवेंचुअल पैशन ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी कुड बी मनी, कुड बी जस्ट सम वेरी स्मॉलर एस्पेक्ट्स जो आपको हैप्पी करते हैं, जस्ट कैन फॉलो दैट इज हाउ आई हैव ग्रोन. या Great. Right. This is great. Thank you so much, Anvita. The point which you touched upon, which is having the great mentors in life. मैंने personally खुद experience किया that this definitely helps. उसके अलावा मैं आपके husband Jatin और आपकी families को सलाह देता हूँ. हम in fact सभी, because हम सभी लोग women empowerment की बात करते हैं, लेकिन I think they have set a very very amazing positive example for all of us. And I think this will really help the society in general to try and promote education for women. Or aisa nahi hai ki shaadi ke baad mein aap nahi padh sakte, thode compromises karne padenge, but it's possible. So thank you so much for taking the time out to be with us, and this was really amazing. Thanks a lot. Thank you so much for having me, guys. You're doing a great job. I'm happy to be a part of this. Thank you. And thank you so much, viewers, hamara ye video dekhne ke liye. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड इसी तरीके के और अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे फॉलो कीजिए, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. थैंक्स अ लॉट.